हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुलरहमान, आप लोग देख रहे हैं डेरा बटिया फूड वर्ल्ड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रेसिपी बताऊंगा चिकन टिक्का पराठा रोल की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये हाफ के जी चिकन है जो मैंने यूज़ करना है, और चिकन को मैरिनेट इसलिए सबसे पहले करना है ताकि ये 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेटेड पड़ा रहे। हाफ कप इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। मैं नेशनल का चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो घर के भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसे कवर करके रख देंगे। 2 से 2.5 घंटे ये मैरिनेट रहे, जितनी देर ये मैरिनेट रहेगा उतना अच्छा है। अब हम उतनी देर बाकी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम मैदा लेंगे 250 ग्राम। अब सबसे पहले इसको हम अच्छे से छान लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ये 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। अभी ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। वाटर को हमने थोड़ा सा वार्म रखना है, नीम गर्म। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आफ्टर दिस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसे कवर करके अच्छी तरह से 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना। मैंने इनको रोल कर लिया और इनके पेड़े बना लिए। हाफ के जी में ये आप एट अ टाइम 4 बना सकती हैं, ये बात आप अपने माइंड में ज़रूर रखिए। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अब चिकन को देख सकते हैं आप, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है काफ़ी देर से। इसे मैंने 2 से 3 घंटे से मैरिनेट करके रखा हुआ है। ओवरनाइट अगर आप मैरिनेट कर सके तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि चिकन जितनी देर मैरिनेट रहेगा उतना अच्छा है। अब हम बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बारबेक्यू जो मेरी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब जस्ट मैंने इनका कलर रेडी करना है। बारबेक्यू मेरी फिनिश हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जब टिक्के बारबेक्यू पूरी तरह से पक जाएं तो इसे बाउल में डाल के इसे कवर करके स्मोक देनी है। और इसे कवर कर देना है। अब सबसे पहले हम एक अच्छे साइज़ का बटर पेपर लेंगे और पराठे को उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद ये यंग्स का गार्लिक मेयो सॉस मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें इसे घर पे भी बना सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले पराठे के ऊपर ये गार्लिक मेयो सॉस लगाएंगे। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी देर से मैंने चिकन को कवर करके रखा हुआ है, चिकन को बारबेक्यू स्मोक देने के लिए। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे।
इसके बाद हम थोड़ा सा बीच में प्याज ऐड करेंगे। रिंग्स शेप में आप प्याज को कट कर लें, आप चाहें तो कुछ मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आफ्टर दिस हम एंड पे थोड़ा सा और गार्लिक मेयो सॉस ऊपर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। सो गाइज, ये थी आज की रेसिपी, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम अब्दुलरहमान फ्रॉम डेरा बटिया फूड वर्ल्ड्स। अल्लाह हाफिज़।